दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स के ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। आइए दोस्तों कर लेते हैं आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स को ताबड़तोड़ रिवीजन सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो अब इसे जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज किया गया, बताइए दोस्तों। इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जवाब होगा विराट कोहली पर। दोस्तों बता दें, विराट कोहली जी इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, साथ ही साथ दोस्तों यह स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, इसलिए दोस्तों इन पर यह शिकायत किया गया है। अब दोस्तों बताइए, हाल ही में COVID-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, जब जंग छिड़ गया है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो बताइए वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन है, अपना यूपी है दोस्तों। इसी प्रकार आरोग्य सेतु ऐप और उसे अनिवार्य करने वाला राज्य कौन है, यूपी है दोस्तों। इसी प्रकार टीम 11 का गठन, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप दोस्तों किसने लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नमूना संग्रह अभियान, 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किसने किया था, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने दोस्तों। दोस्तों प्रश्न अधिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा मिजोरम की राज्य सरकार ने। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा कर्नाटक के साथ समझौता किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक से जुड़े कई प्रश्न लिखे गए हैं, ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि लंबा वीडियो बनेगा तो लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल नया है। अब दोस्तों बताइए, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा के जेंग डी थोंग डोक ने। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा हरियाणा की राज्य सरकार ने। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च करने की घोषणा किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, सोचिए, जवाब होगा दोस्तों ब्राजील। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा राहुल जौहरी जी का। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा Tier 4 डाटा सेंटर कहां पर स्थापित किया गया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा महाराष्ट्र में। अब दोस्तों ये बताइए, अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू किया गया, ठीक दोस्तों, आपको बताना है किस राज्य की सरकार ने शुरू किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब दोस्तों ये बताइए, अभी हाल ही में असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, दोस्तों ये बताइए किसने लॉन्च किया है, दोस्तों जवाब होगा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। अब दोस्तों ये बताइए, असीम का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए, जवाब होगा दोस्तों आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। अब दोस्तों बताइए, अभी हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा भारत देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार को जीता है। अब दोस्तों बताइए, हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा 250 करोड़। अब दोस्तों ये बताइए, अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, आपको दोस्तों बताना है कब मनाया गया, बताइए, जवाब होगा दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। अब दोस्तों ये बताइए, अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया, बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा इंडोनेशिया। दोस्तों बता दें, यह वीडियो उनके लिए बनाया जाता है जिनको रिवीजन करना होता है, जो सब कुछ पढ़े हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।